आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कैसे हमारी क्यू भराएगी। सारा प्रोसेस मैं तुम्हें बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और हमारी वीडियो को जितना हो सके फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को। तो वी ऑलवेज कीप इन टच विथ मी टू नो मोर अबाउट द कंस्ट्रक्शन वर्क्स। सो तो आओ देखते हैं हम प्रोसीजर इसका, तो वीडियो के साथ बने रहें लास्ट। देखो ये नंबर ऑफ क्यूब्स हैं हमारे यहाँ, 6 क्यूब्स रखा हुआ है यहाँ पर, कंक्रीट का हम लोग कंक्रीट रखे हुए हैं, इसको हम लोग इसको फिल करेंगे। ये जो तुम देख रहे हो यहाँ पर लीक किया हुआ है, मेरा वॉइलिंग किया हुआ है, मतलब इसमें हम लोग सेटरिंग वॉइल लगाए हैं ताकि मेरा चिपके नहीं कंक्रीट पार्ट में जब हम इसे निकाले। तो इसकी हमारी साइजेज होती है तुम्हारी क्यूब की 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर 15 cm चौड़ाई, फिर 15 cm इसका डेप्थ होता है। इसको भरने का मेरा तरीका होता है 3 लेयर में इसमें हम भरते हैं, मतलब 3 पार्ट में 5 सेंटीमीटर। पहला 5 सेंटीमीटर हम भरेंगे तो उसके बाद हम लोग इसमें हमारा ब्लू जो देंगे 25 ब्लू देंगे, उसी तरह से इसको 3 बार में हम इसको फिल करते हैं। फिल करने के बाद फिर इसको रखते हैं आफ्टर 24 आवर्स भरने के बाद, और मैं तुमको इसको पोरिंग के लिए क्यूरिंग पॉन्ड में डाल देंगे, क्यूरिंग होगा। फिर उसके बाद 7 डेज 14 डेज और 28 डेज के बाद निकाल कर तीनों का अलग अलग स्ट्रेंथ चेक करेंगे। तो जब मैं इसे भरूँगा तो आप देखो इस पर कैसे फिल करते हैं, तुम्हें बताऊँगा अभी थोड़ा क्यों कराया। देखो इसको हम लोग ये करेंगे जी सर, मतलब हाफ हाफ सब में भरा जा रहा है। चाबी मेरे पास नहीं है, दीदी के पास है, मेरा चलेगा। तो अब हमारे क्या है यहाँ 6 के 6 क्यूब हमारी फिल हो चुकी है, अब इसको लेकर हम लोग लैब में रख लेंगे। उसके बाद 24 आवर इसको हम लोग क्यूरिंग पॉइंट में डाल देंगे क्यूरिंग होने के लिए। इसके बाद फिर हम इसे टेस्ट करेंगे 7 दिन 14 दिन और 28 दिन।